हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 6.6। नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.7। हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी। ओके, आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं। हमें 489 को 10 से डिवाइड करना है। जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तब हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि उस नंबर की आगे की डिजिट्स क्वेशेंट होगी और लास्ट वन डिजिट रिमाइंडर बचेगी। ओनली लास्ट डिजिट रिमाइंडर बचेगी और आगे की सारी डिजिट्स क्वेशेंट होती है। जैसे 5493 को हमने 10 से डिवाइड किया है, तो 5493 की लास्ट डिजिट 3 रिमाइंडर कहलाएगी और आगे की सारी डिजिट्स क्वेशेंट कहलाएगी। ओके, ये एक डायरेक्ट मेथड है। 10 से डिवाइड करने के बाद हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द बॉक्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें बॉक्सेस में क्वेश्चन और रिमाइंडर फिल करना है। फर्स्ट 453 डिवाइडेड बाय 10। हमें 453 को 10 से डिवाइड करके देखना है और उनकी क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें लिखना है। आप 453 को 10 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और अभी मैंने आपको जो मेथड बताई है, डायरेक्ट मेथड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। 453 का लास्ट नंबर है 3, और लास्ट नंबर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो 453 का लास्ट नंबर 3 है, तो 3 क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, और आगे के नंबर्स क्वेश्चन कहलाएंगे। आगे के क्या नंबर है, 45, तो 45 क्वेश्चन कहलाएगा और लास्ट नंबर 3 रिमाइंडर कहलाएगा। ओके, सेकेंड वाला आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। ओके, थर्ड 5432 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। 5432 के हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है, तो इसके लास्ट नंबर क्या है, 2, तो लास्ट नंबर क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। लास्ट नंबर 2 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 2, और आगे के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, क्वेश्चन कहलाएंगे। तो 543 क्या होगा, क्वेश्चन कहलाएगा। ओके, लास्ट फोर्थ 6538 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स क्वेश्चन और रिमाइंडर। ओके, 6538 का हमें 10 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या कहलाती है, रिमाइंडर। लास्ट डिजिट क्या है, 8, तो 8 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और आगे के नंबर 653 क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 6.7 इज कंप्लीटेड। हमेशा याद रखिएगा, 10 से डिवाइड होगा तो लास्ट वन डिजिट जो होगी वो रिमाइंडर होगी, और आगे के सभी नंबर क्वेश्चन होंगे। ओके, वन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट 8 चिल्ड्रन कैन सिट ऑन अ बेंच। एक बेंच पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 8 बच्चे बैठे हुए हैं। हाउ मैनी बेंचेस आर रिक्वायर्ड फॉर 656 चिल्ड्रंस टू सीट। अगर एक बेंच पर 8 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 8 बच्चे बैठे हुए हैं, 8 चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं, तो 656 चिल्ड्रन को बैठने के लिए कितनी बेंचेस चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, 656 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमें बेंचेस पता चल जाएगी कि 656 बच्चों को बैठने के लिए कितनी बेंचेस चाहिए। ओके, अब 8 की टेबल में स्टार्टिंग टू डिजिट 65। अब 8 की टेबल में 65 से छोटा नंबर आता है 8 8 64। ओके, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। टेक नेक्स्ट डिजिट 6। अब 8 की टेबल में 16 आता है, यस 8 2 16। 16 में 16 माइनस करेंगे तो 0। हमारा आंसर क्या है, 82। अवर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 159 स्टूडेंट्स इन स्कूल गैदर इन द स्कूल फील्ड टू डू सम ड्रिल्स। इट देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ रो, हाउ मैनी सच रो कैन बी फॉर्म्ड। एक स्कूल में 559 स्टूडेंट्स स्कूल में साथ में ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, क्या करने के लिए, कसरत करने के लिए खड़े हैं। एक ग्राउंड में सब रो बनाकर खड़े हैं, कितने स्टूडेंट, 459 स्टूडेंट्स। ओके, इफ़ देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ रो, अगर एक रो में, वन रो में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो कितनी रो में 459 स्टूडेंट्स आएंगे। तो हमें क्या करना है, 459
59 को 9 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 348, इफ वन ऑफ देम इज 6, फाइंड द अदर नंबर। हम टू नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 348। दो डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 348 आएगा। उन दोनों नंबर में से एक नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो 6 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? हमारे पास वन नंबर है और सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 348 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके, हमें 6 से डिवाइड करना है तो हमने 6 की टेबल भी बना रखी है। ओके, टेक स्टार्टिंग टू डिजिट्स 34। वन डिजिट हम नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट डिजिट 3 है और 6 3 से बड़ा होता है, 3 6 से छोटा होता है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो टेक स्टार्टिंग टू डिजिट्स 34। आप देख सकते हैं 34 से छोटा नंबर हमें दिख रहा है। यस, 6 5 30, तो 6 5 30। 34 में से हम 30 को माइनस करेंगे, 4 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 4, और 3 में से 3 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0। टेक नेक्स्ट डिजिट 48 हो गया है। टेक नेक्स्ट डिजिट 8, पूरा नंबर क्या हो गया है 48। आप देख सकते हैं 6 की टेबल में 48 आता है। यस, 6 8 48, 6 8 48, और 48 में से 48 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0 0। ओके, द अदर नंबर इज 58। सेकेंड नंबर क्या निकला हमारे पास, 58। फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, 6, और हम 6 और 58 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास 348 आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, आप 6 और 58 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 348 आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है और डिवाइड का अपोजिट हमेशा मल्टीप्लाई होता है। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में टू डिजिट्स का मल्टीप्लाई 348 दे रखा है, और उन दोनों में से एक नंबर हमें 6 दे रखा है और दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो हमें दो डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर ये आया है और हमें उनमें से एक नंबर निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई का ओपोजिट हम उसका डिवाइड करेंगे। ओके, इसलिए हमने 348 को 6 से डिवाइड किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 648, इफ वन ऑफ देम इज 8, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है, हम टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 648 आएगा। अगर वो दो नंबर में से एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 648 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। ये आप आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करेंगे। ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और हमारे पास आंसर आने के बाद अगर आपको चेक करना है तो आप हमारा जो आंसर आएगा उससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 648 आ जाएगा। ओके, अवर लास्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ 7 बॉक्सेस इज 364 किलोग्राम। 7 बॉक्सेस का वेट कितना है, 364 किलोग्राम है। फाइंड द वेट ऑफ अ बॉक्स, अगर 7 बॉक्सेस का वेट 364 है तो 1 बॉक्स का कितना होगा, तो हमें 7 बॉक्स का दे रखा है, हमें 1 बॉक्स का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 364 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, हमें 7 से डिवाइड करना है तो हम देखिए 7 की टेबल बना लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, टेक स्टार्टिंग टू डिजिट्स 36। ओके, आप देखिए 7 की टेबल में 36 से छोटा नंबर आता है। यस, 7 5 35, तो हम डिवाइड करेंगे 7 5 35। हमें 36 में से 35 को माइनस करना है, 6 में से 5 माइनस होगा तो 5 के आगे के नंबर हम काउंट करेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 6, 1 नंबर आया, 6 में से 5 को माइनस किया तो 1, 3 में से 3 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0। टेक लास्ट डिजिट 4, आप देख सकते हैं 7 की टेबल में 14 आता है। यस, 7 2 14, 7 2 14। ओके, 14 में से 14 पूरा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0 0।
ओके, तो द वेट ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना निकलेगा, वन बॉक्स का वेट कितना निकलेगा, 52 किलोग्राम. ओके, एक बॉक्स का वेट 52 है और सेवन बॉक्सेस का वेट कितना है, 364. ओके, अवर चैप्टर 6 इज कंप्लीटेड.